अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइटफॉल की, जिसे वेट ड्रीम, नेक्टर्नल अमिशन और एहतलाम भी कहते हैं। तो ये ज़्यादातर मर्द हजरात में आम होता है। जब बच्चा अडल्ट होता है, जवान होता है, तो ये सीमन उसकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसको एहतलाम होता है। तो इसकी सही मिकदार क्या है, हफ्ते में कितनी दफ़ा या महीने में कितनी दफ़ा हो तो इसको नॉर्मल समझा जाएगा। अगर आपको वीक में एक दफ़ा हो रहा है तो ठीक है, या फिर मंथली आपको दो मरतबा हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है। बहुत से लोग इसके होने से परेशान हो जाते हैं कि हमारी बॉडी वीक हो रही है या हमारे स्पर्म कम हो गए हैं। तो एहतलाम होने से ना ही बॉडी वीक होती है, ना ही आपके स्पर्म कम होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। तो ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो रात को सोते हुए जैसे हमारी सांस चलती है और दिल की धड़कन चलती है, तो वैसे ही इस सीमन का भी अखराज हो जाता है। तो एहतलाम हमें शादी से पहले ज़्यादातर होता है और शादी के बाद, क्योंकि ये हमारे अंदर ज़्यादातर स्टोर नहीं रहता, तो शादी के बाद ये हमें नहीं होता। और ये हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम सर्दियों में गर्मियों के निस्बत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं, इसलिए ये सर्दियों में हमें ज़्यादा होता है। और अगर आपको ये हफ्ते में एक से ज़्यादा मरतबा हो रहा है और आपको अपनी बॉडी में थकावट, सुस्ती, टांगों में दर्द और नज़र में कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो इसका इलाज ज़रूरी है और इसके लिए आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।